हाय, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। रणवीर सिंह की द मोस्ट अवेटेड फिल्म सिम्बा का ट्रेलर आ गया है। शादी की फोटोज तो आती ही जा रही थी, लेकिन ट्रेलर देखो एकदम राइट टाइम पे उन्होंने रिसेप्शन इधर हुई खत्म, एक दिन का गैप और ट्रेलर। एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म से आप तीन चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट। इससे क्या याद आ गया, बड़े शाबाश यार, जल्दी से याद आ जाता है आपको कौन सी फिल्म है। एनीवे, उस फिल्म की बात नहीं करते, इस फिल्म की बात करते हैं सिम्बा। सिम्बा में महिलाओं से जुड़ा एक बड़ा मसला भी है जो फिल्म में उठाया गया है। रणवीर सिंह पिछले कई दिनों से सीरियस फिल्म और किरदार किए जा रहे थे, अब जाकर उन्होंने अपनी तरह की फिल्म की है। आइए गेस करते हैं कि फिल्म की क्या कहानी है। जो ट्रेलर हमने देखा है उसी हिसाब से आपको बताते हैं। बेसिक स्टोरी हमें जो लग रही है वो ये है कि फिल्म एक ऐसे पुलिस वाले की कहानी है जिसने पुलिस डिपार्टमेंट पैसे कमाने के लिए ज्वाइन किया है। वो मज़े में घूस लेकर काम करता है, तभी उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जिसे वो अपनी बहन बना लेता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। समस्या शुरू होती है जब उस लड़की को रेप करके मार दिया जाता है। इसके बाद इस पुलिस वाले जिसका नाम संग्राम भाले राव है, उसमें बदले की भावना आ जाती है और वो रेपिस्ट को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इस सब में नाम उस आदमी का आता है जो शहर का बड़ा गुंडा है। भाले राव भी हर महीने उससे पैसे लेता है और उसकी सेफ्टी का ख्याल रखता है। अब मामला ठन गया है, भाले राव अपना बदला ले पाता है या नहीं, वो बेहतर इंसान और अफसर बन पाता है क्या। फिल्म में यही सब आपको दिखेगा। जैसे जो कहानी हमने आपको अभी बताई है उसमें हीरोइन का कोई जिक्र नहीं है, वैसे ही फिल्म के ट्रेलर में बिल्कुल सेम टू सेम है। फीमेल किरदार सिर्फ इसलिए है फिल्म में क्योंकि हीरो को लड़की चाहिए प्यार करने के लिए और डायरेक्टर को लड़की चाहिए ताकि वो लव स्टोरी दिखा सके। अब आपको बताते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। इस फिल्म को तेलुगु फिल्म टेम्पर का रीमेक बताया जा रहा है। तेलुगु वाली फिल्म में NTR जूनियर और काजल अग्रवाल थे लीड रोल में, जबकि हिंदी वाले वर्जन में रणवीर सिंह और सारा अली खान है। इनके अलावा फिल्म में आशुतोष राणा, सोनू सूद और कॉमेडियन सिद्धार्थ जाधव काम कर रहे हैं। आशुतोष राणा आखिरी बार अनुभव सिन्हा की फिल्म मुल्क में नज़र आए थे और धड़क में भी दिखे थे, हालांकि वो ट्रेलर में कहीं नज़र नहीं आए हैं। जबकि सोनू मणिकर्णिका छोड़कर इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उनका काफ़ी रोल इसमें दिख रहा है। सिद्धार्थ मराठी भाषा की कई फिल्मों में काम करने के अलावा रोहित शेट्टी के साथ भी गोलमाल और गोलमाल रिटर्न्स में काम कर चुके हैं। अब एक सरप्राइज भी है इसके अंदर, वो क्या है, सिम्बा में आपको बाजीराव सिंघम और गोलमाल की पूरी टीम मस्ती काटती मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि सिंघम भी रोहित शेट्टी की फिल्म है और गोलमाल भी। इस फिल्म में इन दोनों फिल्मों के किरदार कैमियो अपीयरेंसेस में आपको नजर आने वाले हैं। अजय देवगन सिम्बा में बाजीराव सिंघम के कैरेक्टर में भी दिखेंगे और साथ ही फिल्म के सूत्रधार यानी एज नरेटर भी सुनाई देंगे। अजय देवगन का किरदार सिम्बा के ट्रेलर की शुरुआत और आखिर दोनों ही समय आपको दिखाई देता है। गोलमाल की बाकी टीम यानी अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू और तुषार कपूर भी फिल्म में दिखेंगे, लेकिन इस ट्रेलर में नहीं दिख रहे, शायद वो फिल्म में गाने में नजर आने वाले। चलिए अब जानिए रणवीर और शाहरुख की टक्कर होने वाली थी इस फिल्म की वजह से। मतलब रोहित शेट्टी पहले इस फिल्म को क्रिसमस वीक में रिलीज करना चाहते थे, तारीख तय हुई थी 21 दिसंबर। इसी दिन शाहरुख खान की काफ़ी अवेटेड जीरो भी लग रही थी। साल का ये समय ना फिल्मों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसलिए ये वाला वीकेंड सबको चाहिए होता है। शाहरुख और रोहित शेट्टी की अच्छी खासी बॉन्डिंग है। बातचीत करने पर रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म शाहरुख की जीरो के एक हफ्ते बाद के लिए शिफ्ट कर दी है। चलो देखते हैं दोनों फिल्म कैसी परफॉर्म करती हैं, जैसे भी करेंगे हम आपको बता देंगे। बाकी आप कैसे जानेंगे, हमसे जुड़ेंगे तो जानेंगे। फेसबुक के पेज को लाइक करिए, हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो, कमेंट कर सकते हैं और अगर एक स्मार्टफोन यूज़र है तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।